एक तो दादी में विल पावर थी बहुत जी, जी। और दूसरा बाबा की मदद जी। और दादी को एक ही लगन थी मेरे को जो बाबा ने दिया है है वो मेरे को को सारे विश्व को देना हाँ जी जी दातापन की भावना हाँ, तो दातापन की भावना के कारण अथक होकर के सेवा करती थी अभी लास्ट बाबा दादी शरीर छोड़ने के पहले दादी पुणे में गई थी और मैं उस समय पर गई थी मैं उस समय औरंगाबाद में थी मैं खास इसीलिए गई कि मैं दादी के पहले तैयार होकर के क्लासेस में जाएगी तो दादी आराम से तैयार होकर के पीछे जी। तो मैं जिस दिन गई उसमें उस दिन मेरे को थोड़ा लेट हो गया जाने को क्योंकि वहाँ भी प्रोग्राम था वो करके औरंगाबाद का पीछे मैं गई पर फिर भी मैं प्रोग्राम के पहले पहुँच गई थी और मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और मैंने देखा दादी सभा में बैठी हुई जी। फिर ये एक दिन नहीं हुआ तीनों दिन यही हुआ पहले दादी जाती थी पीछे मैं जाती थी मैं टाइम पर जाती थी और दादी देखती थी अरे इतने लोग बैठे हैं वो अपनी नींद आराम भूल करके पहले तैयार होकर के जाके बैठ जाते और हजारों लोग आकर के बैठे हुए होते थे उनके आकर्षण और जबकि उनकी आयु 100 प्लस उस टाइम पे उसको तो आयु आयु तो याद ही नहीं थी ना आयु याद ही नहीं थी वो बोले हम तो बाबा के बच्चे और मैं देखती थी कभी कभी हंसी आती थी कोई ज्यादा आयु वाली माता वगैरह आएगी बोले ये इस बेचारी ये तो बुढ़ी हो गई तो हमको हंसी आती थी दादी कितने वर्षों की हम हंसते भी थे दादी को दादी आप क्या है नहीं नहीं हम तो बाबा के बच्चे हैं हाँ। तो दादी में ये लगन थी सेवा की जो लगन है उसके कारण उसको तभी तो बाबा ने उसको जनक कहना विदेही थी वो देह मुक्त थी जी, जी। देह में रहते भी प्रकृति जीत थी